नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुक विदुषा चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट के जैसे ग्रीन चिली सॉस। बस ये मार्केट से हमें बिल्कुल सस्ती पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में अगर हम ग्रीन चिली सॉस खरीदते हैं तो बहुत ही महंगी आती है, लेकिन यही हम 10 रुपए में घर पे आराम से बना सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है। वेट में देखा जाए तो 100-150 ग्राम होगी, लेकिन मैंने वेट करके नहीं ली है। मैंने भैया को बोला कि मुझे आप 10 रुपए की हरी मिर्च दे दीजिएगा, तो 10 रुपए में ये आई है। और इसके हम आगे से जो डंडी होती है, डंठल को इस तरह से देखिए निकाल लेंगे। मैंने भी निकाल लिए हैं। और जब भी आप हरी मिर्च खरीदें तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो थोड़ी सी मोटी हो। ये देखिए, मोटी मिर्च खरीदने का फायदा है कि उसमें जो बीज हैं वो कम होते हैं। बारीक वाली मिर्च से भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी तीखी होती है। और अगर ज़्यादा ही तीखी है आपकी मिर्च तो फिर आप थोड़े से उसमें से बीज निकाल लीजिएगा और टुकड़ों में इसको फिर देखिए इस तरह से काट लीजिएगा। और काटने के बाद इसे हम डाल देंगे एक बर्तन के अंदर, जिसमें कि हमें सॉस बनानी है। तो चलिए इसे डाल देते हैं। साथ में डाल देंगे 6-7 लहसुन की कलियां और आधा कप हम डालेंगे इसमें पानी का। और ढक्कन लगाकर इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। 8-10 मिनट लगेंगे इसे पकने के लिए। और अगर आप कुकर में पका रहे हैं फिर आप एक सीटी उसमें लगवा लीजिएगा। और देखिए इस तरह से एक बार इसे हम पलट लेंगे, बहुत ज़्यादा बार पलटने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही जल्दी ये पक जाती है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए पूरे 8 मिनट मेरे पास हुए हैं और ये पक चुकी हैं, साइज़ में भी डबल हो गई है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड करने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह का पेस्ट हमारा होना चाहिए, एकदम बारीक। इसे आप ग्राइंड कीजिए अच्छे से। और ग्राइंड करने के बाद इसे हम छननी से छान लेंगे, जिससे कि अगर इसमें थोड़े बहुत बीज रहे होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे छननी से छान लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल लेंगे, क्योंकि मिक्सी में पेस्ट रहता था। तो स्पून से आप इस तरह से हिलाते रहिए और ये अच्छे से छन जाएगी। देखिए बिल्कुल बारीक हमारा पेस्ट बना है। और जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें कोई भी बीज नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े से इसमें पल्प बची है। पानी डालकर इसे भी अच्छे से हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम हमने इसको छान लिया है, थोड़ी सी इसमें पल्प बाकी रहती है, इसे हम निकाल लेंगे। और अब इसे डाल देंगे हम बर्तन के अंदर, जिसमें कि हमें इसे पकाना है। अब हाई से मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। साथ में डाल देंगे 2 चम्मच नमक के, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। साथ में हम डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ 2 छोटे चम्मच चीनी के डाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी जो मिर्च है ज़्यादा तीखी है फिर आप थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल लीजिएगा। 1 चम्मच इसमें डालेंगे काले नमक का। फ्रेंड्स काला नमक इसमें आप ज़रूर डालिए, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये देखिए जब ये अच्छे से हाफ पक जाए, उबाला इसमें आ जाए, तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भुने हुए जीरे के पाउडर का और 1 ही चम्मच हम डालेंगे धनिया के पाउडर का। 1/2 कप डालेंगे विनेगर, तो सिरका भी मैंने डाल दिया है। अभी हम कम ही इसमें सिरका डालेंगे, अगर हमें बाद में लगेगा, टेस्ट करके देख लेंगे, तो बाद में भी आप सिरका डाल लीजिएगा, पहले बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च के या कॉर्न फ्लावर के। इसमें 2 ही चम्मच डालेंगे पानी के और इसका घोल बना लेंगे। और इसे भी हम डाल देंगे सॉस के अंदर। फ्रेंड्स अगर आपके पास कॉर्न फ्लावर नहीं है फिर इसकी जगह आप अरारोट भी ले सकते हो। तो जब आप इसमें कॉर्न फ्लावर डाल दें तो उसके बाद लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच कर देंगे फिर जो हमारा कॉर्न फ्लावर है या जो हमारी सॉस है वो नीचे लग जाती है। तो कॉर्न फ्लावर डालने के बाद लगातार इसे आप चलाते रहिए। अब आराम से इसे आप लो फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए 10 मिनट के लिए पका लीजिएगा। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सिट्रिक एसिड का।
और अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि इसको रहने दीजिएगा और थोड़ा सा इसमें सिरका और ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो ये देखिए सॉस जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, अब आप इसे टेस्ट कर कर भी देख सकते हो। तो मैंने भी इसको टेस्ट कर लिया है, मुझे थोड़ा सा इसमें खट्टापन कम लगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा सिरका और डाल रही हूँ 2 चम्मच। आप भी फ्रेंड्स चेक करके इसमें देख सकते हो कि इसमें क्या कम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। तो ये देखिए हमारी जो सॉस है वो काफ़ी पक चुकी है, तैयार है। अब पता कैसे चले कि हमारी सॉस पक चुकी है या नहीं, तो फ्रेंड्स उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि ये देखिए इस तरह से चेकिंग प्रोसेस करेंगे इसमें। तो 1 चम्मच आप डाल लीजिएगा सॉस का प्लेट के अंदर और प्लेट को इस तरह से घुमाकर देखिए, अगर इसमें से कोई भी पानी की बूंद नहीं निकल रही है और हमारी जो सॉस है देखिए आराम से चल रही है, बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, इसका मतलब हमारी सॉस पक चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर लेंगे और उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इसको ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद इसे आप स्टोर करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप घंटी वाले आइकन को नहीं दबाएंगे तो इससे फिर क्या होगा कि मेरा जो नया वीडियो है वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, तो प्लीज़ आप बेल आइकन को जरूर दबाया कीजिए। और ये देखिए मैंने इसे डाल लिया है एक छोटी बोतल के अंदर, और भी हमारी सॉस बनी है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसे हम डाल लेंगे कटोरी के अंदर। तो देखो फ्रेंड्स एकदम मार्केट के जैसी सॉस बनी है, मार्केट से भी बढ़िया है क्योंकि ये हाइजीनिक है, घर की बनी हुई है। तो रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।